जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमेशा हम आपको सकारात्मक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कमेंट्स में आपको भोलेनाथ का कोई एक नाम जरूर लिखें जो आपको अच्छा लगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, शुल्क लागू है दोस्तों। व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें और वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर बात आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर आपकी राशि के जातकों के लिए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के इस आधुनिक दौर में। बहुत बार हमारे मन में किसी चीज को करने के लिए विचार आते हैं, किसी से तरह की प्लानिंग हम करते हैं, कोई योजनाएं हम बनाते हैं, तो उन जितनी भी चीजों को हम मूर्त रूप देने के लिए कई प्रयास करते हैं, उसमें हम असफल भी होते हैं, सफल भी होते हैं। लेकिन आज के इस दौर में सफलताएं जो है उसका प्रतिशत कम है मुकाबले असफलताओं का। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे मन के अंदर जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसकी कमी होना। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी विषय पर, जिस भी कार्य पर, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहां अपने मन में इस बात को हमेशा के लिए निकाल दे कि हम असफल होंगे, क्योंकि असफल और सफल दो में से कुछ एक तो हमें मिलना ही है। और असफलता को तो हमें पता ही है कि ये मिलेगी, लेकिन सफलता का हमें नहीं पता होता कि सफलता कब मिलेगी। तो इसलिए असफलता को अपने मन से, अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दे। इसलिए निकाल दे कि सफल होने के लिए सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सकारात्मकता। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक चीजें, सकारात्मक बातें हमें हमारे इस जीवन में कई सारी समस्याओं से स्वतः ही छुटकारा दिला सकती है। और एक अज्ञात डर जो हमने हमारे मन में पाल रखा है, जो सच में है ही नहीं, लेकिन वो डर जो है हमने मन में पाल रखा है, तो इससे भी हमें बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल इस दौर में। इसके अलावा दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी इस वर्तमान युग में चल रही है, वो अपने आप में अनोखी है, और उसके साथ किस तरह जीना है, उनसे कैसे डील करना है, ये भी एक आधुनिक सोच है। तो इसलिए आप उन चीज़ों पर भी ऑब्जर्वेशन करें, नई नई चीज़ों को सीखें, नए नए सकारात्मक पहलुओं पर हमारे जीवन के ध्यान दें और फिर आगे बढ़ें। ये भी एक सबसे सरल और आसान तरीका है। और जितना अपने इष्ट गुरु मंत्र, इष्ट के मंत्र का जाप आप करेंगे, उतना आपको फायदा होगा। क्योंकि कलयुग जो है वो नाम आधार है, कलयुग केवल सकारात्मक कर्मों के लिए है, और कलयुग जो है वो मन आत्म शांति के प्रयासों के लिए किए गए कार्यों के लिए है। तो इन सभी पर आप कार्य करें, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।